गतिमान एक्सप्रेस बहुत दिन से, बहुत ज़माने से मन था जो सबसे फास्ट हकीकत में हमारे भारतीय रेलवे की अभी ट्रेन है, ऑपरेशन 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन, कैसी पंक्चुअलिटी रहती है, कैसा खान पान रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है। चलिए जर्नी शुरू करते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से विरंगाना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी जाने वाली गतिमान एक्सप्रेस 12050 से। ट्रेन की इतनी सॉलिड डिमांड है कि पूरी पैक है, लेकिन मोस्टली ट्रेन आगरा और ग्वालियर पे खाली काफ़ी हो जाती है, वो भी देखेंगे कैसा इसकी ऑक्यूपेंसी रहती है। काफ़ी देर लगा है, मतलब अभी 8:10 को छूटना है और 7:50 के आसपास ट्रेन को स्टेशन पे शंट किए, 4 नंबर प्लेटफॉर्म से शुरू होगी, चलिए अंदर चलते, काफ़ी अच्छा इंतज़ार हो गया। नॉर्मल एसी चेयर कार का लेआउट रहना चाहिए क्योंकि वही कोचेस हैं जो ओरिजिनली गतिमान में लॉन्च किए थे, जो शताब्दी कोचेस रहते हैं, और 3x2 का लेआउट है जैसा कि आप देख सकते हैं, और मेरी सीट तो इस तरफ है, देखिए अपनी सीट है वही 34 नंबर और विंडो सीट है। फॉर्चुनेटली झांसी तक जाना है तो अच्छा है, विंडो मिल गई है। कोच का लेआउट आपको बता दूं, खाली एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है और 3 रीडिंग लाइट है जहां पे 2 की सीट है और 2 रीडिंग लाइट है जहां पे 2 का सीट है। फुटरेस्ट है, बॉटल होल्डर है, न्यूज़पेपर के लिए नेट है और ट्रे है अगर कुछ भी खाना वाना रखना हो तो उसके। हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव WAP5 है 35017। 8:10 और ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो हमारा सफ़र भारत की सबसे तेज़ ट्रेन में शुरू हो गया है। तो ट्रेन छूटते ही न्यूज़पेपर दे दिया गया है, इंग्लिश भी न्यूज़पेपर शायद दे रहे थे, खैर मैं न्यूज़पेपर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलिए आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। वॉशरूम ऐसे तो नॉर्मल एसी चेयर कार का जैसा रहता है वैसे ही रहना चाहिए, क्लीन है वॉशरूम, मिरर भी क्लीन है, सामने वेस्टर्न स्टाइल है तो वो भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये है वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट और ये भी काफ़ी क्लीन है, कोई स्मेल नहीं है, हैंड शॉवर आप देख सकते हो है यहाँ पे, और बाकी सब भी ओवरऑल सब ठीक है, टिश्यू पेपर भी है, टैब भी है, तो सोप भी है और मिरर भी अच्छा खासा क्लीन है। जो वॉशरूम दिखा रहा था तो आप सुन ही सकते हो कितना हॉर्न लोको पायलट यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत अच्छी रहती है, आप देख सकते हो 150 की स्पीड तो जैसे कॉमन है। इस वक्त फरीदाबाद न्यू टाउन पे स्किप की थी और ये भी 155 के पास स्किप की है और इसके बाद भी स्पीड बढ़ती ही गई है, कभी कभार स्लो हुई है जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हो 150 पे से मैं शूट स्टार्ट किया था, लेकिन ओवरऑल स्पीड एक बार ट्रेन फरीदाबाद से निकल जाती है तो एकदम जैसे बोल सकते हैं कि ज़बरदस्त स्पीड पे पकड़ लेती है, और इस वक्त तो आप देख सकते हो कैसे किस तरह से वो अभी पुश कर रहा है। जो एक्चुअल इस ट्रेन की यूनिकनेस है स्पीड रफ्तार, और ये मेरे समझ से थोड़ी ही देर में 160 क्लॉक करना चाहिए, चलिए देखते हैं करती है कि नहीं। वैसे तो ये ऐप का डीले हो सकता है, इस वक्त हो सकता है वो 160 ही चला रहा हो, +5 +3 इधर उधर तो चलते रहता है प्लस माइनस, अब ये 159 हुआ है शायद अब इस पर भी आ जाएगा 160 भी, और ये आ गया 160, तो ये थोड़ा फ्लक्चुएशन चलता है लेकिन गारंटी इस वक्त तो ट्रेन 160 चल रही है, आप देख सकते हो इस वक्त तो कॉन्स्टेंट 160 दिखा रहा है, और अभी मेरे समझ से ये पार करेगी असोटी को, ज़बरदस्त, ये फील ही कुछ अलग है। आप ट्रैवल करोगे आप देखोगे, और नॉर्मल जब आप रोज़ या कभी कभार भी ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो 160 की फील भले चेयर कार एसी वाला है लेकिन बकायदे फील होता है कि ट्रेन बहुत अच्छी चलती है, कॉन्स्टेंट 160, ज़बरदस्त। आई मीन मुझे तो लगता है कई बार लोगों ने या रेल फैंस ने इसमें ट्रैवल डेफिनेटली इस वजह से किया होगा कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए कैसा लगता है 160, और मैं आपको शर्त ये बताता हूँ आपको ये अनुभव बहुत ही अलग लगेगा। ये है आगरा न्यू दिल्ली इंटरसिटी,
और ये मैंने शॉट थोड़ी सी स्पीड कम हुई थी तो सोचा कि दरवाजे से एक शॉट ट्राई करते हैं। ये अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस है, मुंबई राजधानी तो वॉशरूम गया था तो उसमें मिस हो गई थी, लेकिन ये भी आप फील कर सकते हैं। ये सेंट्रल रेलवे वाली राजधानी है, इतनी फास्ट ट्रेन चलती है कि शुरुआती लोकोमोटिव तो लेना बहुत ही मुश्किल है। ये गरीब रथ एक्सप्रेस है मुंबई से दिल्ली जाने वाली, और ये चेन्नई राजधानी। तो 9 बजे ब्रेकफास्ट देना स्टार्ट किया था, और ब्रेकफास्ट में मुझे ज़्यादा आइटम दिख रहा है जो जनरली दूसरी ट्रेनों में ब्रेकफास्ट में रहता है। शायद ये स्पेसिफिक गतिमान एक्सप्रेस के लिए है, तो ऐसा मत समझिएगा कि इसको देख के आप दूसरी ट्रेन में बोलेंगे यार ये इतना कम क्यों दे रहे हैं, कि बाकी सब राजधानी टोरंटो में जो ब्रेकफास्ट और उसकी आइटम्स है वो डिफरेंट है, आप IRCTC की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। इतना अच्छा खासा आइटम दिया है कि सॉर्ट करने को भी टाइम लग रहा है। चलिए अब आपको मैं फाइनली ब्रेकफास्ट दिखा रहा हूँ। ये है बनाना, ये है ब्रिटानिया का केक, ये जूस है, ऑमलेट, टमाटो सॉसे, हैंड सैनिटाइज़र, और ये है बटर, जैम, चाय का पैकेट, बिस्किट, ब्राउन ब्रेड, चम्मच, स्टर, और ये माउथ रिफ्रेशनर भी है। ये कैटरिंग जो है ये एरेनको कैटरिंग की तरफ से है, और आप देख सकते हो लिखा है, और भाई साहब इस लोग ने जो अरेंजमेंट किया है बहुत ही ज़बरदस्त किया है। शायद जो भी IRCTC ऑफिशल्स ने कहा है उसके ही हिसाब से टॉप नॉच किया है। उल्टा इन्हें तो मेरे समझ से ट्रे बड़ी देनी चाहिए। लाइट है और ये क्वांटिटी ज़बरदस्त है। तो अभी ये नाश्ता चल ही रहा था कि ट्रेन मथुरा से क्रॉस करने लगी, तो मैंने सोचा आपको ये भी बता दूं कि मथुरा पे इसकी रफ्तार कैसी रहती है। वो 160-150 वाली तो स्पीड डेफिनेटली नहीं रहती, क्योंकि ट्रैक चेंज ओवर भी और दोनों तरफ है, मथुरा के से दिल्ली की तरफ भी और मथुरा से आगरा की तरफ भी, लेकिन फिर भी उस हिसाब से ट्रेन की स्पीड अच्छी है, डिसेंट है। और अब ये जो आप देख रहे हो ये शायद, हाँ ये है कर्नाटका संपर्क क्रांति, करेक्ट, ये यशवंतपुर हजरत निज़ामुद्दीन लिखा है बोर्ड पे, कर्नाटका संपर्क क्रांति है। मेरा एक डेडिकेटेड ट्रेन चैनल भी है, उस पर आप बहुत सारी ट्रेन के कंटेंट है, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, जर्नी सब है उसमें, और आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपके बच्चों को या किसी को पसंद है सिर्फ ट्रेन का कंटेंट देखना तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। चलिए अब देखते हैं कब पहुंचती है ये आगरा। तो आगरा के एंड के अराइवल के लिए तो तैयार था, थोड़ी जान पहचान अच्छी है इस रूट पर क्योंकि बहुत ट्रैवल की है। ये राजा की मंडी स्टेशन है जो आगरा कैंट से पहले पड़ता है, और ये हमारी ट्रेन अब आगरा कैंट स्टेशन पे पहुंच रही है। यहाँ पे ज़्यादा देर का स्टॉप नहीं है, तो पहले लोगों को उतरने देते हैं फिर हम दूसरे साइड से बात करते हैं। तो जो कंसेप्ट से ये ट्रेन चालू की गई थी, यानी कि 100 मिनट में दिल्ली से आगरा, वो तो आज पूरा नहीं हुआ, लेकिन शायद हो जाता अगर वो वहाँ पे रुकावट नहीं मिलती पलवल के कारण। तो आइडियल केस में डेफिनेटली 1 घंटा 40 मिनट में आगरा पहुँच सकते हैं, फिर ज़्यादा लेट नहीं, सिर्फ 10 मिनट के आसपास ही लेट है। इसके बाद ट्रेन डायरेक्ट टू ग्वालियर, जहाँ पे शायद और भी लोग उतरेंगे। तो आगरा कैंट से ट्रेन चल दी है, सामने आप जो ट्रेन देख रहे हैं ये है ताज एक्सप्रेस, जिसको आप कह सकते हैं हमारी ट्रेन आगरा कैंट को ओवरटेक करी। जनरली इसका ओवरटेक तो पहले भी हो जाता है, चेन्नई गरीब रथ का वीडियो देखिएगा मेरा, उसमें ट्रेन ने पहले ही ओवरटेक किया। और ये है चंबल नदी का ब्रिज, ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एकदम क्लियर विजन में ले लूँ, क्योंकि ये ब्रिज, ये नदी बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा पुल भी है, काफ़ी बड़ी नदी है, और चाहे आप आगरा से ग्वालियर की तरफ जा रहे हो या कोटा के पास इसका ब्रिज देखें, दोनों बहुत बड़े और खूबसूरत ब्रिज हैं। ये रूट इतना बिजी है कि इस पर तीसरी लाइन का भी काम हो रहा है। अगर आप मेरा चेन्नई हज़रत निज़ामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस का वीडियो देखेंगे तो मैंने उस पर दिखाया है कि तीसरा ब्रिज भी बनाया जा रहा है, वो एक्चुअली दूसरे साइड पड़ रहा है, तो इसलिए इस वक्त नहीं आपको दिखा पा रहा हूँ। चलिए अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मुरैना का स्केप, जो कि मुझे उम्मीद है कि बहुत ही ज़बरदस्त रहना चाहिए। था
मुरैना स्टेशन का स्किप जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और फास्ट था, और ये है ग्वालियर स्टेशन जहाँ हमारी ट्रेन पहुँच गई है। दूसरे साइड काफ़ी लोग उतरने वाले हैं तो इसलिए मैं वहाँ से शूट नहीं कर रहा हूँ। फेयर का आपको बता दूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। वैसे वक्त के हिसाब से फेयर बढ़ सकता है या घट सकता है, वो तो ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रेन अपने फाइनल स्टॉप ग्वालियर, यानी कि दूसरा और फाइनल स्टॉप ग्वालियर पे पहुंच गई है यहाँ पे, लेकिन ट्रेन 20 मिनट लेट है। यहाँ पे ट्रेन 2 ही मिनट रुकती है और आप देख सकते हो चल दी है। अब यहाँ से ट्रेन डायरेक्ट पहुँचेगी वीरंगाना लक्ष्मीबाई जंक्शन। चलिए अब देखते हैं कब पहुँचती है वीरंगाना लक्ष्मीबाई जंक्शन। ग्वालियर से झांसी का जो हिस्सा है वो काफ़ी खूबसूरत है। पूरी तरीके से तो ट्रेन नहीं चल पाती क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी घुमाव है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, तो रफ्तार तो थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए भले 100 किलोमीटर भी नहीं है लेकिन वक्त करीबन 1.5 घंटा लग जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन बहुत स्लो चलती है, आप देख सकते हो बहुत फास्ट चल रही है, और इसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में 160 देखा था, वो चीज़ इस हिस्से में तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो अगर कभी हो जाता है तो शायद हो सकता है ट्रेन और भी फास्ट हो जाए। खैर, अब थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचेगी झांसी और फिर इस सफ़र को हम एंड करेंगे। और ये आ गया वीरंगाना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, और यहाँ पे ट्रेन अपना सफ़र अंत करेगी। पहले उतरते हैं फिर इस वीडियो को अंत करते हैं। ट्रेन पहुंची है 15 मिनट लेट, तो ज़्यादा लेट तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन ठीक है लेट थी। उतना एग्रेसिव स्केड्यूलिंग है और थोड़ा सा नहीं रुकावट होती तो शायद पहुँच भी जाती टाइम पर। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी, इसकी रिटर्न जर्नी भी करूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप उसको भी चेकआउट कर सकें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।